हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग सभी को। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन के चैनल में। आज की क्लास जो है वो सेमेस्टर फोर वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 8 है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से आंसर को लिखना स्टार्ट करें। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का परिचय चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के विधिसता को समाप्त करने के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की गई थी। मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी, आप लोगों को बोल देना है विश्व अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को शांति रखने के लिए, है ना। इसलिए यूएनओ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, है ना। ओके नेक्स्ट देखिए, 31 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डामवटन ऑक्स नामक शहर में एक बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये प्लेस का नाम याद रखिएगा, डामवटन ऑक्स नामक। यहाँ पर क्या गया था, वाशिंगटन के शहर है, यहाँ पर क्या किया गया था, एक बैठक बुलाया गया था, बैठक का आयोजित किया गया था। ठीक है, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी को समाप्त हुई थी। सोचिए 31 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, समाप्त हुई थी। इस बैठक में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भाग लिया था। मतलब तीन देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भाग वहां पे लिए हुए थे। ठीक है, इसी बैठक में यूएनओ की रूपरेखा तय की गई थी। मतलब इसी रूप बैठक में यानी रूपरेखा तैयार किया गया था, किसका, यूएनओ का। और 1 अप्रैल 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, इस प्रस्ताव को रखा, जिसके फलस्वरूप 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनए की विविधवत स्थापना हो गई और इसका नाम यूएनओ अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रख दिया था। रूजवेल्ट ने, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो यूएनओ इसका नाम रख दिया था। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया था। मतलब लिया गया है, ठीक है, मतलब 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाते हैं। ठीक है, यह है इंट्रोडक्शन, देखते चलिए और इजी वे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है और हेमन हटन द्वीप में 17 एकड़ भूमि पर 99 मंजिल में स्थित है। कहाँ पर, 99 मंजिल पे स्थित है, न्यूयॉर्क में है ना इसका मुख्यालय। ठीक है, और यूएनओ के सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 193 है। ठीक है, और दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य है, अभी जो फिलहाल में दक्षिणी सूडान जो है इसका अंतिम सदस्य थे। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। आगे का झंडा, यूएनओ का झंडा क्या होता है, देखिए कि यूएनओ का जो झंडा था वो यूएनओ का हवज नीली पृष्ठभूमि का है। ठीक है, और उस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है और खुली जैतून की दो वक सलाएं हैं। तो अगर आपसे पूछ दे यूएनओ का झंडा कैसा है, तो खुली जैतून की दो वक सलाएं इसमें भी क्या शामिल है ना, ये था यूएनओ का झंडा। अब करते हैं यूएनओ की भाषा, मतलब यूएनओ में कौन सी भाषा पर काम किया जाएगा। तो यूएनओ में 6 मान्यताएं प्राप्त भाषा है, जिसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है और स्पेनिश और अरबी है। मतलब ये 6 भाषा जो है इस यूएनओ की मुख्य भाषा है, लेकिन इसमें यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होगा। 6 भाषा शामिल है, लेकिन जो कार्य होगा, मतलब वहाँ कार्य जो होगा वो 2 भाषा में होगा, एक इंग्लिश में होगा, दूसरा होगा फ्रेंच में। अब बात करते हैं यूएनओ के संविधान, यूएनओ के संविधान क्या कहता है। देखिए यूएनओ के संविधान, यूएनए का चार्टर यूएनओ का संविधान कहलाता है। तो यूएनओ का जो संविधान है उसको चार्टर यूएनओ का संविधान कहलाता है, जिसमें 11 अध्याय और 111 धाराएं हैं, ये याद रखिएगा, 11 अध्याय और 111 धाराएं हैं। करते हैं यूएनओ का अंग, यूएनओ का अंग देखिए पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद और चौथा न्यास परिषद और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। ठीक है,
अब इस तरह एक एक करके हम इसके अंग को भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले महासभा क्या होता है। देखिए यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग महासभा होता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। और महासभा का प्रमुख कार्य यूएनओ का बजट तैयार करना है, उसे पेश करना, सुरक्षा परिषद के या अन्य संरचनाओं के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, ये सब किसका काम होता है? महासभा का काम होता है ना। और न्यायस परिषद निरीक्षण करना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। मतलब यूएनओ का यानी महासभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट अंग है इसका सुरक्षा परिषद। देखिए क्या है कि डेविड बुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है, मतलब दुनिया का जो पुलिसमैन कहा गया, ठीक। इस पॉइंट को याद रखिएगा और इस कोड में ही लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थाई होते हैं और 10 सदस्य अस्थाई होते हैं। मतलब 5 अस्थाई होंगे जो चेंज नहीं होता है, और 10 जो अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य जो हैं उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। आपको एक कहानी बताएंगे बाद में, जो ये चीन जो था, चीन की जगह पर इंडिया था, है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है इस चीन को ये दे दिया था स्वीकार करने के लिए। ये बात की क्लास में लेंगे, है ना, ये ध्यान से देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो चीन है जो अस्थायी सदस्य में, आप पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। जबकि अस्थायी सदस्य में निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से की जाती है। मतलब दो जो 10 सदस्य हैं वो निर्वाचन बहुमत 2/3 मिलेगा वही बन सकता है ना। और इसका निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होता है, बस 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा है वैश्विक स्तर पर अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसे सुलझाना, है ना। तीसरा है कि महासभा को यूएनए के महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, है ना। चौथा है कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों का चयन करना आदि प्रमुख कार्य है। ये था सुरक्षा परिषद का कार्य भी डिफाइन कर दिए। अब नेक्स्ट अंग देखेंगे हम लोग यूएनओ का, वो है आर्थिक सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक सामाजिक परिषद। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि यह संस्था यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक संस्कृति और शैक्षणिक मामलों का अध्ययन करके अपना रिपोर्ट सौंपना है, और यह अपना रिपोर्ट को सौंपती है, किसको सौंपती है? महासभा को। और संयुक्त राष्ट्र बल जो है ये संरक्षण नामक संस्था इसी के तहत क्या करता है? कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद क्या होता है? देखिए यह भी यूएनए का एक महत्वपूर्ण अंग है, और यह पिछड़े हुए देश का या अल्प विकसित देश को अपना शासन सत्ता स्वयं नहीं चला सकते हैं, तो वैसे देशों के शासन को चलाने के लिए और उन्हें पुनः संगठित करने के लिए विकसित देशों को दिया जाता है, ठीक है, विकसित देश को दिया जाता है। और विकसित देश उन अल्प विकसित देशों को शोषण ना करे, इसी का देखभाल न्यास परिषद करता है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, है ना। और न्यास परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं, जिन देशों का न्यास परिषद का भाग सौंपा गया है वे देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, है ना, ये सौंपा जाता है न्यास, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी था। देखिए क्या होता है कि इसकी स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के द हेग में की गई थी। कहां पे? द हेग में। और इसका मुख्यालय द हेग में ही स्थित है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय अपना संविधान है जिसमें कुल 70 अनुच्छेद है। कितना? 70 अनुच्छेद, है ना। और इसी अनुच्छेद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विवादों का हल किया जाता है। मतलब इसी अनुच्छेद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विवाद जो होंगे उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। इस न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है ना, ठीक है। और यहाँ के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है, ठीक है, याद रखना है। और भारत से अब तक करीब 4 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हो चुके हैं। कितने? 4। वो चारों का नाम है, पहला है न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह, दूसरा है न्यायमूर्ति VAN राय, तीसरा है न्यायमूर्ति RS पाठक, और चौथा है न्यायमूर्ति दलवीर सिंह भंडारी। ये 4 न्यायाधीश का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्ति हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे कि न्यायाधीशों का जो चुनाव होता है सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा होती है अंग्रेजी और फ्रेंच होती है। ये तो पहले ही बता चुके हैं, जो भाषा जो होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में कार्य वहाँ पे होता है। अब लास्ट अंग बच जाता है इसका, जो वो है सचिवालय। क्या बच जाता है? सचिवालय क्या होता है? देखिए यह यूएनओ का
ये सचिवालय जो होता है वो यूएनओ के एक प्रशासनिक अंग होता है, ठीक है, और यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी महासचिव होता है। यहाँ के जो जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महासचिव कहलाता है, और इसके सहायता के लिए अन्य अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं, मतलब अन्य अधिकारी भी इसके सहायता के लिए होते हैं। और महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए की जाती है। और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो महासभा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और महासचिव ही यूएनओ का मुख्य प्रशासक होता है तथा विश्व के संपूर्ण विवादों को सुलझाता है। तो विश्व को जितने भी विवाद होता है कौन सुलझाता है? तो महासचिव सुलझाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये थे आप लोगों को यूएनओ का अंग भूमिका, सब यहाँ तक आप लोगों को हम डिफाइंड कर दिए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के अनुसार यूएनओ की उपलब्धि। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग यूएनओ की उपलब्धि। सबसे पहले देखेंगे यूएनओ की निम्नलिखित उपलब्धि है। पहला है कि यूएनओ ने विभिन्न समस्याओं को हल करके शांति और सुरक्षा स्थापित करने में एक महान सेवा प्रदान की है, ठीक है, और एक महान सेवा प्रदान की है, ठीक है। आमतौर पर सुरक्षा परिषद द्वारा राजनीति विवाद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कानूनी विवादों और अन्य विशेष एजेंसियों द्वारा इसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी उपलब्धि है कि यूएनओ ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाया है और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से दुनिया में शांति को बनाए रखता है। तो यूएनओ का भी काम होता है शांति को बनाए रखना, जिस तरह से सामूहिक परिषद का बात किए थे, है ना, तो उस तरह यूएनओ भी काम करता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बता चुके हैं ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका उपलब्धि कि इसने इजराइल और फिलिस्तानी, ईरान और इराक और अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बीच विवादों को भी सुलझाया था, ठीक है। ये विवाद को भी सुलझाया कौन था? यूएनओ सुलझाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इसने 1963 में एनटीबीटी और 1996 में सीटीबीटी जैसी कई परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। कब किए थे? 1963 याद रखिएगा, 1996 याद रखिएगा, है ना, ये दो पॉइंट है ना। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन का आयोजन किया था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, इस बात को याद रखिए। ये सम्मेलन का भी आयोजन कौन किया था? यूएनओ किया था, ये उनकी उपलब्धि है। नेक्स्ट देखिए कि यूएनओ ने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और परीक्षण संस्था का भी स्थापना कराई है, ठीक है। ये से हम यूएनओ की उपलब्धियों को वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस तरह से लिख के एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, और लास्ट में आप लोग खुद से निष्कर्ष लिख के कमेंट कीजिए, हम आप लोगों का आंसर पिन कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से आंसर लिखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ 20 में 20 पक्का आप लोगों को आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेट करें, पर डे एक क्लास आप लोगों को लेकर देंगे, ये मेरा वादा है खुद से एंड यूट्यूब से, है ना, और आप लोगों को क्लास लेना है। और ये क्लास जो ले रहे हैं आप लोग, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए मत सोचिएगा, आप लोगों के हेल्प के लिए है। आप लोग अपने अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट क्या हो सके, हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7 बजे। ओके नेक्स्ट, बाय बाय।